आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। चतरा जिले के इटखोड़ी थाना अंतर्गत कोइलड़ा गांव जहां जल मीनार को लेकर आपस में ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वार्ड सदस्य के पति महेंद्र रविदास ने कहा कि हमें बदनाम करने के लिए राजनीति की जा रही है। वार्ड सदस्य ने कहा कि हमारे गांव के सस्पेंस डीलर मेघन दास बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हम कारधारी थे, उनसे डीलरशिप से हटा दिया गया, इसलिए हमसे बदला लेने की कोशिश कर रखा है। उस गाँव की कुछ महिलाएं जो उनके घर के पास अगल बगल के हैं, उन्होंने वार्ड सदस्य को कहा कि घर के पास जल मीनार बनाए, हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जबकि उसी गांव की कुछ महिलाएं जिन्होंने वार्ड सदस्य पर आरोप लगाया कि हम लोगों को पानी लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम लोगों के गांव में जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो हम महिलाओं को पता नहीं चल पाता है, सिर्फ वार्ड सदस्य के घर के बगल महिलाओं को ही मालूम चल पाता है। झारखंड के चतरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हम यही बोलना चाहते हैं सर, जो सुधा देवी है महेंद्र की पत्नी, तो कोई जिस सरकारी फंड आते हैं, चापाकल है वार्ड सदस्य महेंद्र के परिवार, तो जितना सरकारी फंड आते हैं तो अपना घर में यूज करती है, और दो दो लेट आया तो अपना घर में बैठाई है अपना घर के सामने ने, और हम लोग के कोई जानकारी नहीं होते हैं। और अभी जो जनमिना वाला जो पानी के आए हैं तो अपना घर में बैठाए, हम लोग को पब्लिक का कोई जानकारी नहीं है। हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब पूरा गांव के जब है तो पूरा बीच गांव में लगना चाहिए, सब कोई करे, मगर नहीं सुने, वो अपना घर में बैठा रही है। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग साथ लड़ाई झगड़ा करती है। क्या नाम है आपका? बसंती। जल मीनार बन रहा है, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। आप सहमत हैं? जी। ये कौन सा गांव है? हाँ सर, हमको जैसे सरकारी फंड में जो आता है वो हम लोग के कोई चीज़ के मालूम नहीं, कोई चीज़ के लाभ नहीं है। और सुधा देवी जो है तो अपना चापाकल आया तो अपना घर में करवा ली वार्ड सदस्य, और चापाकल आया तो अपना घर में करवाई, लेट आया तो अपना घर में करवा ली, और कुछ कोई चीज़ की हम लोग के जानकारी नहीं। कुछ भी मांगने के लिए जाते हैं तो लड़ाई कर देती है, और जो पानी के टंकी आया है वो पूरा गाँव के था लेकिन अपना घर में वो करवा ली है। जल मीनार। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र दास हुआ। आप इस गांव में कोई पोस्ट पे हैं? वार्ड सदस्य के हम पति हैं। अच्छा, ये जल मीनार लग रहा है, इसका क्या मामला क्या आ रहा है? मामला इसमें राजनीति किया जा रहा है हमारे साथ में, एक हमारा छवि को धूमिल किया जा रहा है। यहाँ किसी समय में एक हमारे गांव के डीलर हैं मेघन रविदास, जिनका नाम है, वो डीलर हैं। उनका कार्यकाल खराब रहने के कारण कुछ लोग शिकायत किया, 152 कार्डधारी शिकायत किया, वो अभी सस्पेंड पीरियड में है, उसमें 152 कार्डधारी में हम भी हैं। तो वहां से विवाद, उनसे मेरा दुश्मनी हुआ है, और वो दुश्मनी साध रहे हैं, मेरा एक छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। जल मीनार यहाँ बनने की जिम्मेवारी आई, हम घर में नहीं थे, कोई पीएचडी विभाग से कोई आदमी आए थे, वो हमको पूछे कि संजय रविदास के घर कौन है, तो हम बोले कि संजय रविदास के भाई हैं हम, फोन के माध्यम से बात हुआ हमसे, बोले यहाँ चापाकल सरकारी है, तो हाँ, हम बोले कि सरकारी चापाकल है, तो बोले यहाँ जल मीनार बनाना है, तो ठीक है बनाइए, तो बन रहा है। इसमें हम गाँव वाले से भी पूछे कि वहाँ बन रहा है, संजय रविदास के घर के पास है, किसी की इतराज अगर है तो बोल सकते हैं नहीं बनेगा, तो गांव वाला सहमति दिया, बोला कि नहीं कोई इतराज नहीं है, वहां बनाइए। और सरकार का इस विभाग का जो गाइडलाइन है कि 20 घर पानी देना है, यहां से सप्लाई देने जाना है 20 घर का, वहां यहां से जाएगा, तो हम सरकारी चापाकल है, हम तो रोक नहीं सकते हैं बनाने के लिए, तो बन रहा। ये आपके घर के पास में चापाकल गड़ा हुआ? सरकारी चापाकल? सरकारी चापाकल है, घर के पास है। ग्रामीणों से बात हो गई थी? सारा ग्रामीणों से बात हुई, अभी भी उपस्थित यहाँ ग्रामीण है, आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। कितने लागत की ये जल मीनार बन रही है? क्या जल मीनार कितने लागत की है? ये सब हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, नहीं पता? कुछ नहीं, यहाँ हमको पूछा गया कि आपके यहाँ संजय रविदास के घर के पास जल मीनार बनना है, बनना है, ठीक है बनाइए, बस हम इतने जानते, इसके आगे कुछ। मुख्य लोग से बात हुई थी?
मुखिया लोग मुखिया जी के हम दो दिन के बाद में हम जानकारी दिया फोन के माध्यम से कि इस तरह से बात है, तो बोले कि हमको जानकारी नहीं है, अगर वैसा बात है तो ठीक है। अच्छा, उनको पहले सूचना नहीं थी? कोई सूचना उनका भी नहीं है। हमको हमसे बात हुई जब हम बोले कि कहीं से जानकारी आपका, तो बोले हमको कोई जानकारी नहीं, कोई संवेदक आप जो लवार थे इसे सूचना उनको दिए थे? आपने दिए थे? किसको? मुखिया को सूचना आपने दी? हम दो दिन के बाद दिए। दो दिन बाद दिए? हाँ, दो दिन के बाद दिए। यही चाहते हैं सर, सुधा देवी आठ सदस्य जो है दर्रा, उसको घर जो लेट आया है अपना घर ने दुआरी पर लगाया है दो गो, हाँ पानी के टंकी आया है जनमीनार वो लगा रहा है अपना घर में, और अमित रविदास घर जो बीमारी के जो चला है कोरोना वायरस के सो दवाई जो छिटा पूरा गांव, और हमको घर नहीं छिटा, और हम दो गो बच्चा लेके टान पर रहते हैं, और हम लेट मांगे, हमको लेट नहीं दिया सर। हमको यही कहना है कि हमको बहुत चीज़ की कमी है, हाँ हमको होना चाहिए पूरा गांव के, होना चाहिए पूरा गांव के, लेट नहीं दिया हमको दुआरी पर, अपना दुआरी पर दो गो लगा लिया, जनमीनार भी बना रहा है, तक किसी पब्लिक के पते नहीं है, अपना मन से बना रहा है और चुपे बरे बना रहा है, हम लोग नहीं जानते हैं कुछ नहीं।